Once again, very warm welcome to my English channel, Roy's English Corner. Roy's English Corner, फिर से एक बार आपका स्वागत है. Students, आज हम लोग letter writing का वीडियो लेकर आए हैं. दो पार्ट में इसको हम लोग पढ़ेंगे. Letter writing long composition है. What is letter writing? लेटर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, लेटर राइटिंग का इम्पोर्टेंट कुछ एक्सप्रेशंस आपको हम बताएंगे जिससे आपको लेटर को स्टार्ट करने में सुविधा हो, कुछ सैम्पल लेटर्स के बारे में बात करेंगे, लेटर टू द एडिटर, जॉब एप्लीकेशंस वगैरह वगैरह. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. What is letter writing? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि letter writing क्या है. तो letter writing is an important channel of communications between two people who are geographically distant from one another. मतलब letter writing एक important channel है communications का, आपस में एक दूसरे के साथ communicate करने का एक channel है. ऐसे दो लोग जो बहुत दूर एक दूसरे से रहते हैं और आपस में मिल नहीं सकते हैं, तो एक ही जरिया बनता था लेटर राइटिंग. लेटर राइटिंग इज ए स्किल दैट हैज़ टू बी डेवलप्ड. लेटर राइटिंग एक स्किल है जिसको बढ़िया से डेवलप करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है. टाइप्स ऑफ लेटर्स में अगर हम लोग आते हैं तो दो प्रकार का लेटर्स हम लोग यहाँ देख रहे हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल लेटर में ऑफिशियल लेटर्स टू द एडिटर एंड जॉब एप्लीकेशंस वगैरह आते हैं, और इनफॉर्मल में अपने फ्रेंड्स और अपना रिलेटिव्स के पास जो भी चिट्ठियां हम लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर में आता है. ठीक है, अब हम लोग फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर्स में आते हैं. ठीक है, तो फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मेट लेटर्स बढ़िया से ध्यान में रखना है हमको, इसलिए कि फॉर्मेट का अलग से मार्क CBSE में रहता है और ये गलत होना नहीं चाहिए. तो सबसे पहले हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, ऑलमोस्ट सारे लेटर्स का फॉर्मेट एक जैसा है, थोड़ा सा इधर उधर अंतर होता है, वेरिएशन लिटिल. लेफ्ट साइड में टॉप में लेफ्ट साइड में सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, मतलब चिट्ठी जो लिख रहे हैं उस चिट्ठी लिखने वाले का जो है वो एक तरह से हम लोग पूरा एड्रेस देंगे, डेट ब्लॉक नंबर क्वार्टर नंबर वगैरह वगैरह देते हुए हम लोग उसको लिखेंगे. ठीक है, तो क्वार्टर नंबर ब्लॉक नंबर जगह का नाम डिस्ट्रिक्ट ये सब सारा देते हुए लिखेंगे और पूरा एड्रेस लिखेंगे. उसके बाद एक लाइन का गैप देकर हम लोग डेट लिखेंगे. डेट में डेट कैसे लिखते हैं, तो जैसे आज 8 मई है तो हम लोग लिखेंगे May 8, 2021. एक तो इस तरह से डेट लिखते हैं, एक दूसरा लिखते हैं कि 8 May 2021. इस प्रकार का डेट ही आप लिखेंगे. आप वो स्लैश देकर डेट या डैश देकर जो डेट लिखते हैं वो डेट नहीं लिखेंगे. फिर एक लाइन का गैप हम छोड़ेंगे. लेफ्ट साइड में ही सारा काम हम कर रहे हैं. रिसीवर्स एड्रेस, ये जो रिसीवर्स एड्रेस है ये आप जो चिट्ठी जिनके पास हम लिख रहे हैं वो हमको देना एक लाइन गैप देकर. सारा लेफ्ट साइड में लिखेंगे, राइट साइड में कुछ भी नहीं लिखेंगे. लेफ्ट साइड में सारा लिखेंगे और एक लाइन का स्पेस देके जो रिसीवर्स एड्रेस है यानी जिसके पास हम चिट्ठी लिख रहे हैं उनका पद का नाम, उनका जगह का नाम, कंपनी का नाम वगैरह वगैरह लिखते हैं. ये 2 लाइन 3 लाइन छोड़ा हुआ है रिसीवर एड्रेस के लिए इस तरह से. उसके बाद आते हैं फिर एक लाइन का गैप, सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट आप देख रहे हो, सब्जेक्ट छोटा सा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, बट दैट शुड बी दैट कन्वेज द पर्पस ऑफ द लेटर और द थीम ऑफ द लेटर. सब्जेक्ट छोटा सा हो लेकिन इतना आकर्षक होना चाहिए कि सब्जेक्ट पढ़ते ही पता चल जाए कि ये जो चिट्ठी हम लिखे हैं वो उसका टाइट थीम क्या है या पर्पस क्या है. इसके बाद सैल्यूटेशंस पर आते हैं. तो सैल्यूटेशन में डियर सर, मैडम ये सब हम लोग लिखते हैं. डियर सर या मैडम जो लिखते हैं वो हम सैल्यूटेशन कहलाता है. उसके बाद एक लाइन का जगह छोड़कर हम पैराग्राफ लिखते हैं.
तो पैराग्राफ में तीन पैराग्राफ हम लिखते हैं, याद रखना मिनिमम थ्री पैराग्राफ्स लेटर में जरूरी है। पहला पैराग्राफ को इंट्रोडक्टरी पैरा कहते हैं, दूसरा पैराग्राफ को मेन बॉडी कहते हैं, और तीसरा पैराग्राफ को कंक्लूडिंग पैरा ऑफ द लेटर कहते हैं। तो पहला पैराग्राफ जो है वो इंट्रोडक्शन है, स्टार्टिंग है, ये छोटा सा होगा। मेन बॉडी में हम पूरे जो थीम है, जिस पर्पस पर हम चिट्ठी लिख रहे हैं, उस पर्पस को डिटेलिंग करते हैं, डेवलप करते हैं और आगे, इसलिए थोड़ा बड़ा होता है। और लास्ट पैरा जो है वो कंक्लूडिंग पैरा ऑफ द लेटर है, ये लेटर का फिनिशिंग पार्ट होता है, ये भी छोटा होता है। और अंत में हम लोग लिखते हैं एक लाइन छोड़कर योर्स फेथफुली, उसके बाद ब्रैकेट में फुल नेम इन ब्लॉक लेटर्स लिखते हैं, पूरा नाम जो है वो ब्लैक लेटर में लिखेंगे ब्लॉक लेटर में। और तीसरा है डेजिग्नेशन, अगर कोई डेजिग्नेशन कोई पद का नाम पोस्ट का नाम दिया हुआ है तो लिखेंगे, वरना छोड़ देंगे। अब यहां पर फॉर्मेट हम लोग सीख गए। फॉर्मेट सीखने के बाद हाउ टू स्टार्ट ए लेटर, जैसा कि हम लोग फॉर्मल पढ़ रहे हैं तो फॉर्मल में दो प्रकार का हम लोग मेनली चर्चा कर रहे हैं, वो है लेटर टू द एडिटर और जॉब एप्लीकेशन। तो अभी हम लोग लेटर टू द एडिटर में जब लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो इंट्रोडक्टरी पैरा में हम लोग जो सम यूजफुल लैंग्वेज एक्सप्रेशन देना है, ठीक है, सम यूजफुल लैंग्वेज एक्सप्रेशन इंट्रोडक्टरी पैरा में देंगे। थ्रू द एस्टीम्ड कलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर आई विश टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज डॉट डॉट डॉट। ये इंट्रोडक्टरी पैरा में जब आप किसी एडिटर के पास चिट्ठी लिखेंगे तब ये स्टार्टिंग आप करेंगे, आप इसको याद कर लेंगे। और डॉट 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 दिया हुआ है, इसमें जो लेटर का जो टॉपिक है उस टॉपिक के अनुसार इसको हम लोग आगे ऐड करेंगे। दूसरा एक एक्सप्रेशन हो सकता है इन माय ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में, दिस इज अ वेरी शॉकिंग डिस्टर्बिंग यूज ऑफ। तीसरा होगा दिस इज अ वेरी शॉकिंग या डिस्टर्बिंग यूज ऑफ डॉट डॉट डॉट। जब हम किसी के पास कोई कंप्लेंट लेटर वगैरह लिखते हैं किसी चीज़ के कंप्लेनिंग करने के लिए, तब हम लोग इस प्रकार स्टार्टिंग कर सकते हैं, दिस इज अ वेरी शॉकिंग या डिस्टर्बिंग यूज ऑफ, उसके बाद जो टॉपिक है उसको हम लोग आगे जोड़ते हैं, ठीक। अब सैल्यूटेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बता रहे हैं, देखो सैल्यूटेशन फॉर ग्रीटिंग एंड एंडिंग ऑफ ए लेटर। लेटर का स्टार्टिंग में जो हम लोग ग्रीट करते हैं, किसी को संबोधन करते हैं, और जो लेटर का फिनिशिंग करते हैं, एंडिंग करते हैं, वो कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी रखते हैं। तो पहला है सैल्यूटेशन, जिसमें डियर सर और मैडम लिखते हैं हम लोग मेनली। इफ यू डू नॉट नो द नेम ऑफ द पर्सन यू आर राइटिंग टू यूज दिस, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू ट्राई टू फाइंड आउट ए नेम। हम लोग जब लिखने वाले, जिसको हम लिख रहे पत्र है, उसको अगर नाम उनका नहीं जानते हैं तब हम लोग या तो डियर सर लिखते हैं, और अगर लेडीज है तो उनको, लेडी है तो उनको हम लोग डियर मैडम लिखते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि जिस समय किसी को नाम हम नहीं जानते तब हम डियर सर और डियर मैडम का यूज करें, लेकिन इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू ट्राई टू फाइंड आउट ए नेम। लेकिन ये कह रहा है कि बहुत अच्छा होगा अगर हम लिखने वाले का नाम पहले से जान लें। जैसे सेकंड नंबर में देखो, डियर मिस्टर गौरव, एग्जांपल दे रहे हैं, डियर मिस्टर गौरव, इफ़ यू नो द नेम ऑफ द पर्सन यूज द टाइटल मिस्टर मिसेस मिस डॉक्टर एट्सेट्रा। अगर आप जिसको लिख रहे हैं पत्र उनका नाम अगर आप जानते हैं तो आप लिखेंगे डियर प्लस मिस्टर मिस मिसेस डॉक्टर जो भी होगा, और उसके बाद उनका पहला नाम, जैसे गौरव लिखे, ये तब लिखते हैं जब हम उसको नाम जानते हैं, ठीक है। एंड द सरनेम ओनली, तीन चीज लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे डियर, फिर लिखेंगे मिस्टर या मिसेस या मिस या डॉक्टर व्हाटएवर,
और उसके बाद उनका फर्स्ट नेम सिर्फ लिखेंगे, सरनेम, और कुछ नहीं लिखना है. इफ़ यू आर राइटिंग टू ए वुमेन एंड डू नॉट नो इफ सी यूजेज मिसेस और मिस, यू यूज मिस MS, विच इज़ फॉर मैरिड एंड सिंगल वुमेन बोथ. कभी कभी क्या होता है कि जिनके पास हम पत्र लिख रहे हैं वो लेडी है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो शादीशुदा है या अनमैरिड है. शादीशुदा अगर होता है तो मिसेज लिखा जाता है, अनमैरिड अगर होता है तो मिस लिखा जाता है. पर ये दोनों है कि नहीं ये अगर डाउट होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको याद रखना है कि आप MS लिखेंगे. ये MS जो है ये मैरिड और सिंगल यानी अनमैरिड दोनों के लिए यूज होता है. तो क्लियर. इसके बाद हम लोग आते हैं राइट साइड में. ये तो फिनिशिंग वाला था, ये स्टार्टिंग वाला था. एंडिंग ऑफ ए लेटर, लेटर को एंड कैसे करते हैं. तो पहला है योर्स फेथफुली. इफ यू डू नॉट नो द नेम ऑफ द पर्सन एंड द लेटर दिस वे. अगर जिनको हम पत्र लिख रहे हैं उनका नाम अगर हम नहीं जानते हैं तो हम योर्स फेथफुली से एंड करेंगे. योर सिंसियरली. इफ यू नो द नेम ऑफ द पर्सन एंड द लेटर दिस वे. अगर जिनको चिट्ठी लिख रहे हैं उनका नाम हम जानते हैं तो हम योर सिंसियरली लिखेंगे, योर सिंसियरली, ना कि योर्स फेथफुली. और तीसरा है योर सिग्नेचर. साइन योर नेम देन प्रिंट इट अंडरनीथ द सिग्नेचर. सिग्नेचर कैसे करते हैं, तो आपका जो पूरा नाम है उस नाम को रनिंग लेटर में आप जब लिखेंगे तो दैट इज सिग्नेचर हो जाएगा. और ठीक सिग्नेचर के नीचे में ब्रैकेट में कैपिटल लेटर में उस व्यक्ति का नाम लिखना पड़ता है. तो ऊपर सिग्नेचर हो गया, उसके बाद नाम हो गया. यू आर राइटिंग टू माइट नॉट नो द वेदर यू आर मेल और फीमेल, पुट योर टाइटल इन ब्रैकेट्स आफ्टर योर नेम. अगर आपको ये पता नहीं है कि आप मेल है या फीमेल है, ठीक है, इफ़ यू थिंक द पर्सन यू आर राइटिंग, जिनको आप चिट्ठी लिख रहे हैं वो अगर मेल है या फीमेल है ये पता नहीं है, तो पुट योर टाइटल इन ब्रैकेट्स आफ्टर योर नेम. तो आपका नाम लिखने के बाद ब्रैकेट में आप अपना टाइटल को लिख दीजिए ताकि उससे आसानी से समझ में आ जाए कि वो मेल है या फीमेल है. ठीक है. कंटेंट ऑफ ए फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर का कंटेंट तीन पैराग्राफ मिनिमम होगा. किस प्रकार का होगा वो देख लेते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ, द फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी शॉर्ट एंड स्टेट द पर्पस ऑफ द लेटर टू मेक एन इंक्वायरी, कंप्लेन, रिक्वेस्ट, समथिंग एटसेट्रा. पहला पैराग्राफ जो है वो शॉर्ट होगा, छोटा होगा, और क्लियरली चिट्ठी लिखने का जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो क्लियरली इसमें मेंशन होना चाहिए. मान लो कि हम कोई इंक्वायरी कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, या किसी की शिकायत कर रहे हैं, या किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी को करें, लेकिन लिखने का जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए. मिडिल पैराग्राफ, द पैराग्राफ और पैराग्राफ्स इन द मिडिल ऑफ द लेटर कंटेन द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन बिहाइंड द राइटिंग ऑफ द लेटर. मिडिल पैराग्राफ जो मेन बॉडी होता है, इसमें एक या एक से अधिक पैराग्राफ हम लिख सकते हैं. इसमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग लिखते हैं, जो टॉपिक हम लोगों के पास है, जिस पर्पस में हम लोग लेटर लिख रहे हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखते हैं. चिट्ठी लिखने के पीछे क्या कारण है उसको बताते हैं. मोस्ट लेटर्स इन इंग्लिश आर नॉट वेरी लॉन्ग. याद रखना कि इंग्लिश की चिट्ठियाँ बहुत लंबी आजकल नहीं होती है. सो कीप द इन्फॉर्मेशन टू द एसेंशियल्स एंड कंसेंट्रेट ऑन ऑर्गेनाइजिंग इट इन ए क्लियर एंड लॉजिकल मैनर rather than expanding too much. तो चूंकि लंबी लेटर लिखना नहीं है, इंग्लिश में लंबे लेटर नहीं लिखते हैं, इसलिए हम लोग जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को देंगे, कंसेंट्रेट करेंगे और उसको लॉजिकल मैनर में सिक्वेंस में सेट करेंगे, उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे. बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करने की ज़रूरत भी हमको नहीं है. और लास्ट पैराग्राफ, द लास्ट पैराग्राफ ऑफ ए फॉर्म शुड state whether action you what action you expect the recipient send your informants etc. last paragraph में हम लोग लिखेंगे अगर हम लोग शिकायत कर रहे हैं तो शिकायत का हम लोग क्या रिजल्ट चाहते हैं, किस प्रकार का स्टेप्स एक्सपेक्ट करते हैं वो मेंशन करना है रेसिपियंट से.
और अगर कुछ इंक्वायरी वगैरह करते हैं तो उसका कुछ इंफॉर्मेशंस वगैरह अपने तरफ से जो है वो हम उनको दे देते हैं। इस प्रकार से तीन पैराग्राफ, मिनिमम तीन पैराग्राफ में हम वो लेटर को बांध कर रखते हैं। और ये फर्स्ट पार्ट हमारा आज फिनिश होता है, लेकिन जाने से पहले, विदा लेने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आपका सहयोग सपोर्ट हमें उस प्रकार नहीं मिल रहा है। आप स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो आपका सीबीएसई का सारा टोटल सिलेबस को कवर करते हुए बना रहा हूँ, तो एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक कर दो। सब्सक्राइब्स का बटन को दबा के अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि दूसरे को भी फायदा हो। सब्सक्राइब्स करो और पूरा वीडियो को देखना, पूरा वीडियो को बिना देखे आपको समझ में नहीं आएगा, स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो आपके लिए हम इतना अगर मेहनत करते हैं तो आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें, लाइक्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब्स करें और पूरा का पूरा वीडियो को देखकर एंजॉय करें। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू एंड वी विल मीट सून इन माय सेकंड पार्ट ऑफ लेटर राइटिंग। थैंक यू।